श्याम जेद आप लोगों को केटर ऑनलाइन के चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले की जो सारी वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे थे वो सारी जनरल वीडियोस थी। दरअसल जो हमारा मेन पर्पज है, जो हमारा असल काम है, वो यही काम है कि लोगों को पढ़ाना हो। जैसे कि आप लोगों ने हमारे लोगों को भी देखा होगा, हमारे लोगों को भी यही चीज़ लिखी हुई है कि लर्निंग विदाउट बाउंड्री। आप कहीं पर भी हैं दुनिया में, किसी भी जगह पर हैं, आप सीख सकते हैं। ये चैनल बनाया ही इसलिए है और इसका मेन मकसद ही आगाही यानी कि अवेयरनेस है। इसका मकसद कोई पैसा कमाना नहीं है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में यानी कि हमारे यहाँ इस सऊदी एशिया में अगर कोई आपका चैनल देखता है और इस तरह की हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो हमें कितने को ज़्यादा पैसे मिलते होंगे। ठीक है, तो जो मेन मकसद है वो आगाही है। लिहाजा बेफिक्र होकर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज़रूर, ताकि आप लोग यहाँ से कुछ सीख सकें। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर रिकमेंड करें ताकि आप लोग सारे यहाँ से सीखें, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह ताला हम एक जो है ना एक स्टेप के साथ चलेंगे ताकि आप लोग अकाउंटिंग भी सीख सकें। और जो नए आने वाले लड़के हैं जो अकाउंटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, अकाउंटिंग में अपनी करियर बनाना चाहते हैं, अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं और उनका पैशन है, उनका एम है अकाउंटिंग, हम उनकी मदद कर सकें। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। और ये है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं, कुछ लोग प्रिंसिपल्स कहते हैं, कुछ लोग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। बात एक ही है कि अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहले छः जो इसके जो सिक्स बेस्ट प्रिंसिपल्स हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि ये फाइव है, कई सारे लोग कहते हैं सिक्स हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं टेन भी है। बहरहाल जितने भी हैं ये सारे ही सारे प्रिंसिपल्स हैं। और ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह हम लोग, जिस तरह बच्चा होता है वो बोलचाल सीखते हैं, तो पहले उसे छोटी छोटी बातों के बारे में बताया जाता है। फर्ज़ करें रोटी को क्या कहते हैं, पानी को क्या कहते हैं, चलना उठना बैठना, ये सारी प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं एक बच्चे को जुबान सीखने के लिए। इसी तरह अकाउंटिंग सीखने के लिए भी ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रिंसिपल हैं जिनको हम लोगों ने सीखना है। सबसे पहले हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल्स। आप लोगों को इस बारे में पता होगा कि मैचिंग किसको कहते हैं, एक दूसरे के साथ मुवाजना करने को, यानी कि एक दूसरे के साथ जोड़ने को। फर्ज करें दो चीज़ें हैं आप लोगों के पास, अब आप उन दो चीज़ों का अगर आप उसमें मुवाजना करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, उनको मैच कर रहे होंगे। जिस तरह हमारे यहाँ क्रिकेट टीम, फुटबॉल की टीम होती हैं, दो टीमें होती हैं, वो क्या करती है, मैच करती हैं आपस में, आपस में मुकाबला करती हैं। तो पहले जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल्स। मैचिंग से क्या मुराद है, मैचिंग से मुराद ये है कि जिस अकाउंटिंग ईयर में, जिस साल में आप लोग बैठे हैं, जिस साल में आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों ने अगर उस साल की इनकम को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसी साल की एक्सपेंसेस को भी आपने उसी साल रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी ऑफ द सेम ईयर। बात समझ गए आप लोग, इसको मैं फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास जो रेवेन्यू है और जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं वो एक साल के होने चाहिए। फ़र्ज करें मैं क्या करता हूँ, मैं इस साल में जो आज हमारे पास 2020 है, मैं इस साल में अगर 100 रुपया कमा रहा हूँ, मेरी इनकम कितनी है, 100 रुपया है, लेकिन इस इनकम को कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक्सपेंसेस करने पड़े 50 रुपये के, तो मुझे चाहिए कि मैं इसी साल इस एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करूँ। यानी कि ये बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि जिस साल में आप पैसे कमा रहे हैं उस साल में आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपका कुछ एक्सपेंस होता है तो वो भी आपने उसी साल रिकॉर्ड करना है। यानी कि ऐसा नहीं करना आप लोगों ने कि एक्सपेंस तो आप एक साल कर रहे हैं इनकम, या आप इनकम एक साल कमा रहे हैं और इसके एक्सपेंसेस को आप लोग अगले साल रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जिस साल के एक्सपेंसेस होंगे तो उसी साल की इनकम में आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है। अच्छा, ये हमारे पास पहला बेसिक प्रिंसिपल है। दूसरा हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ठीक है, अब गोइंग से क्या मुराद है, चलता हुआ। ठीक है, कंसर्न अकाउंटिंग में एंटिटी को कहते हैं यानी कि बिजनेस को कहते हैं। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल से क्या मुराद है कि जो हमारा बिजनेस जो हम रन कर रहे हैं या जिस बिजनेस की हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये बिजनेस क्या होगा, फोरसीबल फ्यूचर के लिए ये चलता रहेगा। फर्ज करें हम ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उसकी अकाउंटिंग सेपरेट होती है कि जिस बिजनेस का हमें पता होता है कि ये एक साल बाद या एक महीने बाद या 6 महीने बाद ये बिजनेस या 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, उसकी जो अकाउंटिंग होती है वो सेपरेट होती है। ठीक है, वो बाद में आने वाले वीडियोज में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि हम गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जी अकाउंटिंग शुड बी ऑफ द बिजनेस दैट विल रन फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, तो अब इससे क्या मुराद है कि हमारे जो अकाउंटिंग है, जिस बिजनेस की हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये जो बिजनेस है ये फॉरसीबल फ्यूचर के लिए चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये बिजनेस आगे जाके खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह हमारे पास तीसरा प्रिंसिपल है, तीसरे प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्रिंसिपल। बड़ा ही बेसिक है ये, जो छह चीज़ें हैं बहुत ही बेसिक है। अगर ये चीज़ें आप लोगों ने सीख ली तो ये बात कन्फर्म है कि आप लोग अकाउंटिंग के बारे में बुनियादी बातें सीख चुके हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, अकाउंट कॉस्ट प्रिंसिपल। अब कॉस्ट प्रिंसिपल से क्या मुराद है, कॉस्ट प्रिंसिपल से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें आप लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए आप लोगों ने कोई फर्नीचर वगैरह खरीदा। ठीक है, मैं ज़रा साइड पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो फर्नीचर था हमारे पास, हम लोगों ने जब ख़रीदा तो इसकी कीमत, मैं फ़र्ज़ करें जो है ना, एक आइडिया ले रहे हैं कि 1000 रुपये का था, लेकिन हम लोग ने बड़ी अच्छी बार्गेन की, हमने उस लोगों से, हमने उन बंदे से जो डीलर है उससे 1000 रुपये का खरीदा, लेकिन एक्चुअल में इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है इस फर्नीचर की, वो तकरीबन 1200 रुपये है। ठीक है, वो कितनी है जी, वो 1200 रुपये हमारे पास। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने क्या करना है, इसको 1200 पर रिकॉर्ड करने के जी, इसकी मार्केट वैल्यू तो 1200 थी, ये तो हम लोगों ने बड़ी अच्छी बारगेनिंग की और हम लोगों ने 1000 रुपये का लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा किसी भी चीज़ को जब आप लोग लेंगे उसको आप लोगों ने कॉस्ट प्रिंसिपल पर ही रिकॉर्ड करना है। इससे मुराद ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं दी एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये सिर्फ एसेट पे अप्लाई नहीं होता, बल्कि ये एसेट लाइबिलिटी, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट, सारी चीजों पे ये अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा है हमारे पास मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब मटेरियलिटी से क्या मुराद है, मटेरियलिटी से मुराद ये है कि हमारे पास जो चीज है, जो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी मटेरियल है। अच्छा, अब मटेरियल की जो डेफिनेशन बताते हैं अकाउंटिंग में, ये बड़ा ही जो है ना एक वैग्यू किस्म का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट में जिसमें अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी कि ये जो मटेरियलिटी प्रिंसिपल है ये आगे जाके बहुत ज़्यादा चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा इसको मैं आप लोगों को एक मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करें हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, हमारे पास एक कंपनी ए है। इस कंपनी ए की जो हमारे पास सेल्स है, ये सेल्स हमारे पास तकरीबन कोई जो है ना 10 लाख है, ठीक है। और जो हमारे पास कंपनी बी है, इस कंपनी बी के जो सेल्स है हमारे पास, ये हमारे पास सिर्फ 10,000 है, ठीक है। तो अगर अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि हमारे पास ये, अगर हम कोई एक फर्ज करें कोई परचेजेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब जो कंपनी ए है वो अगर अपने इन्वेस्टमेंट का यानी कि अपनी सेल्स का अगर वो जो है ना 10% भी अगर जो है ना अपना करती है, अपनी कोई परचेजेस करती है, तो कितनी बनती है, ये तकरीबन 1 लाख रुपया बनता है, ठीक है। और अगर ये कंपनी भी अगर अपने कोई परचेजेस करती है, अगर अपने 20% भी करती है, तो इसका कितना बनेगा, सिर्फ 2000 बनेगा। अब इसने कितनी परचेजेस की अपनी 10% के हिसाब से, ठीक है, ऐसा ही है। और इसने कितनी जो है ना परचेजेस की, इसने तकरीबन कोई 20% पे की, लेकिन रकम किसकी ज़्यादा बनी, जाहिर सी बात है कंपनी ए की हमारे पास रकम ज़्यादा बनी, इनकी कंपनी ए की परचेजेस हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो इससे मुराद ये है कि ये जो मटेरियलिटी है, ठीक है, मटेरियलिटी क्या है, ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। अब इससे मुराद क्या है, मटेरियलिटी से मुराद अब क्या है कि मटेरियलिटी से मुराद ये है कि वो अमाउंट जिसे हम कभी भी फॉरगो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कंपनी ए है, अगर इससे कोई चोरी हो जाती है, कोई जिसे हम अकाउंटिंग में पिलफरेज कहते हैं, कि जी अगर इससे कोई छोटी मोटी चीज़ इधर उधर हो जाती है तो ये इतना टेंशन नहीं लेके, फर्ज करे अगर उस चीज़ की कीमत 2000 दी है, कहेगी कोई मसला नहीं यार, इस हो के
पैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, 2,000 लॉस वगैरह हो जाते हैं, इसको नॉर्मल ट्रीट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी बी से अगर 1,000 रुपये का भी लॉस होता है तो कंपनी बी कभी भी इसको फॉरगो नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि मटीरियलिटी वो पैरामीटर है कि जिसके मुताबिक वो डिसाइड करता है कि मुझे कितनी रकम का ख्याल रखना है, ठीक है। इससे मुराद क्या है कि मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, द अमाउंट दैट कैन नॉट बी फॉरगो, ठीक है, एंड इट शुड बी डिस्क्लोज, ठीक है। तो वो रकम जिसे हम कभी भी फॉरगो नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम लोगों ने हर सूरत डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। अगला है हमारे पास कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सबसे इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। ये कंसिस्टेंसी आप लोगों को पता है किसे कहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी को कहते हैं। फर्ज करें मैं अगर कोई एक जो है ना एक पॉलिसी लेकर आता हूँ, मैं वो पॉलिसी ये लेकर आता हूँ कि जिस साल मैं अपना एसेट खरीदूंगा उस साल पे मैं इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है कि अब इस प्रिंसिपल को अगर मैंने डे वन से स्टार्ट कर लिया तो आने वाला जितना भी बिजनेस का फ्यूचर होगा उस सब में मैं कंसिस्टेंसी से ये चीज़ अप्लाई करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 10 साल बाद जाके या 5 साल बाद जाके या कुछ अरसे बाद जाके मैं इसको चेंज करूंगा। आप चेंज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ सर्टन कंडीशंस होती हैं। अब ये सवाल आपके जहन में आएगा कि क्यों हम इसे चेंज नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट होती हैं। जिस कंपनी में जिस मुल्क में आप लोग अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं उस कंपनी उस मुल्क के जो रेगुलेटरी इदारे होते हैं उनके अपने रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कभी भी आप इसको चेंज नहीं कर सकते, वगरना आप लोगों के टैक्स कैलकुलेशंस में बहुत बड़ा मसला आ सकता है। इससे मुराद ये है कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स को हम लोगों इन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, द पॉलिसी वंस एडॉप्टेड शुड बी फॉलोड फॉर द रेस्ट ऑफ बिजनेस लाइफ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अगला है हमारे पास मॉनेटरी यूनिट। मॉनेटरी यूनिट से क्या मुराद है, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मॉनेटरी यूनिट से मुराद ये है रकम, यानी कि पैसे। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जितनी भी आप लोग अकाउंटिंग करेंगे वो सारी की सारी किस चीज़ में करेंगे, पैसों में करेंगे, ठीक है। हर मुल्क अपनी अपनी एक करेंसी होती है, जिस तरह मैं पाकिस्तान से हूँ तो हमारी करेंसी क्या होगी, PKR यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़। अगर आप इंडिया से हैं तो आपकी करेंसी क्या होगी, INR यानी कि इंडियन रुपीज़। अगर आप US से हैं तो आपकी करेंसी क्या होगी, US डॉलर। अगर हांगकांग से हैं तो हांगकांग डॉलर। इस तरह अगर आप जापान से हैं तो आप लोगों की अपनी करेंसी होगी जिसे वहाँ के लोग येन कहते हैं, जापानीज येन कहते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल से क्या मुराद है, मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल से मुराद ये है कि आपकी जो रकम होगी, फ़र्ज़ करें आप कोई एसेट वगैरह ख़रीदते हैं तो आप इसे ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने एक फर्नीचर ख़रीदा था तो फर्नीचर के बदले में मैंने 3 गाय दी थी, ठीक है, 3 काउज जिसे हम कहते हैं, काउज गाय, ठीक है, हम लोगों ने 3 गाय दी, तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है, उस चीज़ की मॉनेटरी यूनिट लेना है, उस चीज़ के पैसे लेने हैं आप लोगों ने। इससे मुराद ये है कोई भी चीज़ हम इसको इन शॉर्ट में कैसा लिख सकते हैं, इस मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल्स को, द इन्वेस्टमेंट एसेट और लाइबिलिटी, कोई भी चीज होगी आपके पास, ठीक है, शुड बी मेजरेबल इन मॉनेटरी फॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों अब ये हमारे पास 6 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी और आप लोगों को पसंद भी आया होगा, ठीक है। दोस्तों बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का, उम्मीद है आप लोगों को कुछ अच्छी मालूमात मिली होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग के जो एंट्रीज़ होती हैं, जो जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, जहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, अकाउंटिंग का साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। दोस्तों अब दुआओं में याद रखिएगा और शेयर ज़रूर करें अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती हैं। अस्सलामुअलैकुम।